दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं को मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल और बिछिया पहनना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें सुहाग की निशानी मानी जाती है। मान्यता है कि मांग में सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है, जबकि गले में मंगलसूत्र पहनने से पति हमेशा बुरी नजरों से बचा रहता है। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं को हाथों में मेहंदी लगाना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी सुहागन महिलाओं को पैर में बिछिया पहनना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध चंद्र ग्रह से है। यही कारण है कि हिंदू धर्म की शादीशुदा महिलाएं पैरों में चांदी की बिछिया पहनती हैं। चांदी की बिछिया पहनने से चंद्र ग्रह की सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में पैर का बिछिया गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिछिया गुम होने से पति बीमार पड़ सकता है। ऐसे में सभी सुहागन महिलाओं को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि अपना पहना हुआ बिछिया किसी दूसरे स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगती है। शास्त्रों के मुताबिक विवाहित महिला को बिछिया दाहिने और बाएं पैर की दूसरी उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी का पायल पहनना भी शुभ माना गया है। इसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए संभल कर पहनिए। अगर आपका बिछिया कहीं खो जाता है तो आपके और आपके पति के जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने बिछिया को संभाल कर रखिए और संभाल कर पहनिए, ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। वहीं महिलाओं के पैरों की दूसरी उंगली का तंत्रिकाओं का सीधा संबंध गर्भाशय से होता है, जो कि हृदय से होकर गुजरती हैं। इसलिए दाहिनी और बाएं पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनने की सलाह दी जाती है। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाएं बिछिया पहनते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रह सके।